आईएनएक्स मीडिया मामले में रिश्वत लेने के आरोप में बुरी तरह फंसे पी चिदम्बरम के बचाव में कांग्रेस पार्टी उतर आई है। कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी के ऊपर जानबूझकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। ये वही कांग्रेस है जो अपने दौर में दावा करती थी कि सीबीआई एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है और उस पर सवाल उठाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब उसी कांग्रेस को सीबीआई की भूमिका पर संदेह नजर आने लगा है। बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी अब पी चिदम्बरम के बचाव में उतर आई हैं। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है, पहले हम आपको वो ट्वीट पढ़कर सुनाते हैं और आप देखिए कि प्रियंका गांधी किस तरह से बचा रही हैं पी चिदम्बरम को। उन्होंने लिखा है, एन एक्सट्रीमली क्वालिफाइड एंड रेस्पेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा पी चिदम्बरम जी हैज सर्वड आवर नेशन विद लॉयल्टी एंड डिकेड्स इंक्लूडिंग एज फाइनेंस मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। He unhesitatingly speaks truth to power and exposes the failures of government. प्रियंका गांधी ने लिखा है कि पी चिदम्बरम एक बहुत योग्य और सम्मानित नेता थे जो बेबाक बोलते थे, लेकिन अब जानबूझकर जो कभी सरकार की कमियों को उठाते थे उन्हें टारगेट किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट से जैसे ही उनकी याचिका नामंजूर की गई, उन्हें राहत देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार किया, तब से ही उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। सीबीआई ने पी चिदम्बरम के घर पर भी छापेमारी की थी और यहां तक कि 2 घंटे में हाजिर होने का नोटिस भी चस्पा किया गया, लेकिन फिर भी पी चिदम्बरम सीबीआई और ना तो ईडी दोनों के सामने पेश नहीं हुए हैं, जिसके बाद दोनों की टीम लगातार चिदम्बरम को तलाश कर रही है। इससे पहले इसी मामले में उनके बेटे की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन चिदम्बरम ने आज तक सीबीआई के पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, ईडी के पूछे गए किसी सवाल का भी जवाब नहीं दिया। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में जो इंद्राणी मुखर्जी हैं वो सरकारी गवाह हैं। आपको ये भी बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी की कंपनी थी आईएनएक्स मीडिया, जिसे फायदा पहुंचाने का आरोप लगा था पी चिदम्बरम पर जब वो देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे। इस मामले में तमाम प्रावधानों का उल्लंघन किया गया और जो कानूनी पेचीदगियाँ थी उन्हें आईएनएक्स मीडिया के लिए बहुत हल्का कर दिया गया था। नियमों को बदलाव करके आईएनएक्स मीडिया को फायदा पहुंचाया गया और वित्त मंत्रालय भी इस पूरे मामले पर खामोश रहा, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यूपीए सरकार में भी सवाल उठते रहे आईएनएक्स मीडिया को फायदा पहुंचाने के मामले पर, लेकिन यूपीए सरकार में किसी भी मंत्री ने किसी भी नेता ने इस पर मुंह नहीं खोला था, जिसके बाद 2014 के बाद मामला फिर से दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आया, सीबीआई के सामने आया था, ईडी को जांच सौंपी गई। ईडी ने इस पूरे मामले में साल 2017 में एफआईआर दर्ज किया था और फिर चूंकि वित्त मंत्री रहते हुए इस पूरे मामले को अंजाम दिया था पी चिदम्बरम ने, इसलिए सीबीआई जांच की मांग भी इस मामले में तेज हो गई थी और सीबीआई जांच भी 2017 में सौंप दी गई, जिसके बाद पर्याप्त साक्ष्य थे पी चिदम्बरम के खिलाफ, लेकिन पूछताछ के लिए कभी भी चिदम्बरम सीबीआई और ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए और दिल्ली हाई कोर्ट के सामने दोनों ने, सीबीआई और ईडी दोनों ने इस बात की दलील दी थी, ये भी दलील दी गई कि जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक पूछताछ संभव नहीं लगता है पी चिदम्बरम से, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने चिदम्बरम को राहत देने से इनकार किया और चिदम्बरम को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई और ईडी दोनों ही लगातार छापेमारी कर रहे हैं। अब देखना यह, चूंकि कांग्रेस इस वक्त बचाव की मुद्रा में है, चिदम्बरम को बचा रही है, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की तरफ से इसे बदले की कार्यवाही कहा जा रहा है, लेकिन कानून अपना काम करता है, साक्ष्य इस वक्त चिदम्बरम के खिलाफ हैं और ये भी गौर करने वाली बात होगी कि चिदम्बरम अब इस मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत पाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उन्हें राहत देता है या नहीं।